आए दोस्तों ये पेज देखिए, अभी बढ़िया पेज काटे हैं। इरफान नीचे से लड़ा रहे, राइट साइड वाली पतंग देखिए इरफान की। मिक्स टीम आई है, कुछ मॉडल हाउस के हैं, कुछ फूलबाग के हैं, न्यू फूलबाग। चलिए लेफ्ट साइड ऊपर से किंग, बढ़िया इस बार कट गए हैं, गद्दा पड़ गया। और बता दूं कि मेरे भाई ने 7 पेज काट दिए थे इस पतंग से, यानी 2 पतंग दूर थे नेहले से। हालांकि हुआ नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया पेज लड़ा इन्होंने। ये सब टीम है, टीम मेंबर्स, यंगस्टर्स सारे। इरफान बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। नैयर साहब दिख रहा है आपको? ओके, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अब्बास भाई के नीचे से बढ़ते हुए। अपोनेंट ऊपर से हैं, मैंने कहा कि न्यू फूल बाग और मॉडल हाउस करके मिक्स करके आए हैं खिलाड़ी। सामने है किंग, लेफ्ट साइड नीचे से पतंग को चलाया, वो अंदर की तरफ मुड्डा लेके आ रहा है। इन्होंने चक्करों पे रख लिया है और इसने थपक दिया बाहर को, बढ़िया पेच काटा है अपोनेंट ने ऊपर से। आइए थोड़े से रेंज में पेच लड़ाते हैं हम लोग, और लड़ा रहे हैं अभी पेच फेरेंगे, फिरे नहीं है अब, पेच फेर रहे नीचे से हमारे आरिफ सर। चलिए देखिए अभी पेच फेरे नहीं गए हैं, चलिए वो लेके आ रहा है। देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग जो ऊपर है अब वो राइट आ चुकी है, पेज फेर दिए गए हैं, क्योंकि छत वाले गेम है, इसमें सही होने की कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी काट दो। चलिए नीचे वाली पतंग देखिए ऊंचा करते चले आ रहे आरिफ सर, उन्होंने बाहर का गद्दा शो किया, ये अंदर की तरफ झटके लगा रहे, लेकिन गद्दा पड़ गया बहुत खतरनाक, और करीब कराना चाहिए था। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, गोल्डी भाई का पेज है, ऊपर से लड़ा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए उल्टे हाथ की गोल्डी की, नीचे से अपोनेंट पतंग देखिए कैसे चला रहे, बढ़िया। ये देखिए पतंग कैसे चल रही है उनकी, ये गद्दा मारा और उसने पट मारा, ये गद्दा मारते चले जा रहे हैं। इसके बाद उठा के 2-4 झटके मारे, बढ़िया पेच काटा है गोल्डी ने, उसके झोल को काट दिया 2-4 बार, पतंग चला दी। आए दोस्तों ये थोड़ा सा दूर रेंज हो गया है, 450 मीटर के करीब। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे वाली हमारे फैसल भाई की, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रख के पेच लड़ा रहे, वो अंदर की तरफ बढ़ते चले आ रहे और अंदर बढ़ते चले आ रहे, बहुत तेज बढ़ते चले आ रहे। देखिए इन्होंने डाउन कराया और बाहर निकाल रहे हैं, वो अंदर बढ़ते चले आ रहे हैं, वो अंदर बढ़ते चले आ रहे हैं, इनको तेज हाथों से हटाना पड़ेगा पतंग। चलिए उसने गद्दा बनाया रखा, इन्होंने ऊंचा किया, उसने बाहर का गद्दा चलाया, ये अंदर की तरफ खींचते चले जा रहे, वो बाहर खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, बहुत अच्छा पेच काटा है हमारे फैसल भाई ने, शानदार पेच काटा है। दोस्तों इसे कहते हैं टाइमिंग से रुक दिखाना, पतंग बढ़ती अचानक से जो अंदर खींचा है फैसल भाई ने, ये कटे कमाल का पेच काटा है रुख दिखा के अंदर का ही। आइए दोस्तों फिर से फैसल भाई नीचे से पेच फेरते हुए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से है, नीचे वाली पतंग देखेंगे लेफ्ट साइड, फैसल भाई नीचे से फेरे हुए, पेच की रेंज बढ़ाते जा रहे 450 मीटर से ज्यादा, अंदर की तरफ फिर से वो अपोनेंट बढ़ता हुआ, एक बार पिछली पेज की तरह अंदर की तरफ बढ़ता हुआ, देखिए तेज हाथों से ये भी बाहर करके निकाल रहे हैं तेज हाथों से, काफ़ी ज़्यादा बढ़ हो गई है अब फैसल भाई की पतंग, और अंदर वो आता हुआ, फैसल भाई चक्कर दे रहे, वो और अंदर आ रहा है, इनको और बाहर निकालना होगा। देखिए तेज हाथों से कम कर रहा है वो, देखिए कहीं सद्दी अब ना कट जाए मुझे तो लग रहा है। चलिए देखिए टावर के पास पतंग देखिए हमारे फैसल भाई की है, अब वो अपनी जगह बनाएगा, देखिए कितना उतार लाए हैं इनकी पतंग, अगर 450 करीब अभी भी लगी हुई है तो इनकी पतंग है 300। चलिए उसने गद्दा मारा, इन्होंने क्रॉस मार दिया, और बहुत ही अच्छा पेच काटा है, पूरा क्रॉस मार दिया इन्होंने, और इनकी पतंग भी चली गई।
इनकी पतंग भी चली गई, वो टावर में फंस गई है। और वो देखिए जो कटी हुई पतंग है इसने लिपटा ली है, पूरा क्रॉस मार दिया आपने पेस देखा। आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं, नीचे से बढ़ रहे हैं धिनशु, नीचे से बढ़ रहे हैं धिनशु, ऊपर से अपोनेंट। ये देखिए ये लड़ा रहे हैं हमारे भाई, ऊपर से धिनशु की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड धिनशु अंदर बढ़ते हुए, कुछ पेस दिखा रहा हूँ ऊंचा करते हुए। धिनशु पतंग को तेज तेज चला रहे हैं, उन्होंने झोल पर रख दिया है, अब ये क्या करेंगे देखना है। अब ये पूरा डोर छोड़ के पट पर झटक सकते हैं, लेकिन इन्होंने जानदारी करी और कट गए। अबे पतंग हटा पोके तू, लेफ्ट साइड वाली ऊपर से है, लेफ्ट साइड उल्टे हाथ वाली पतंग देखिए, ऊपर से मनीष सर की और नीचे से अपोनेंट। चलिए रखते हुए बीचों बीच अपोनेंट अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, इन्होंने गद्दा बनाया, उन्होंने बाहर खींचा, इन्होंने गद्दा लगाया, उन्होंने खड़ी पतंग थपक ली, पर यहाँ पेच काटा है अपोनेंट ने, इस बार चुपचाप पतंग को पकड़ लिया। आरिफ सर की पतंग देखेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे से अपोनेंट। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से पीछे, आदिल भाई की कमेंट्री है रखते हुए, बढ़िया पेच काट दिया हमारे आरिफ भाई ने, आरिफ सर ने। आइए अब आरिफ सर नीचे से पेच ले रहे हैं, इससे पहले देखा आपने पेच ऊपर से बिल्कुल ढा दिया उनकी झोल पे बीचों बीच, उसके बाद झटके मार दिए, वो नीचे से थे अपोनेंट। इस बार आरिफ सर नीचे से हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है, देखते हैं वो अंदर की तरफ बढ़ के आ रहे हैं। आरिफ सर भी अंदर जा रहे हैं, वो और अंदर आ रहे हैं, बीचों बीच रखा है अपोनेंट ने भी, ये और अंदर बढ़ रहे हैं, ये उसने गद्दा चला, ये अंदर की तरफ झटक रहे हैं, लेकिन हवा तोड़ के अंदर गए हुए थे और उसने बलों पे रख लिया, अच्छा पेच काटा अपोनेंट ने, इसको सिर्फ बाहर खींचना था ताकत से। आए दोस्तों अगला पेज देख रहे हैं नितिन भाई का, अब नितिन भाई आ रहे हैं हमारे ऊपर से, चलिए ठीक है, जब हवा पतंग में नहीं रहेगी तब आप चुस्की देंगे तो आप कट जाएंगे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से नितिन भाई की, राइट साइड वाली नीचे से, उन्होंने पट पे थोड़ा खाली करा, अंदर खींच रहे हैं, ये देखिए डबल पे एक तरह से खींचा और नीचे उनका झोल कट गया। कल कहाँ पे, यहाँ, हाँ 8 टिकट से जीते हैं, हाँ हवा तो अच्छी थी, हैं नहीं नहीं यार अभी तो नहीं हुआ, उधर से ही हुआ, 7 हुआ था, हाँ 9 की बताएंगे शायद। ये तो ध्यान ही नहीं दिया था, हम उधर ही खड़े थे। आइए दोस्तों नितिन भाई अब नीचे से पेच लेना है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, अपोनेंट देखिए कैसे पतंग को चला रहा है, ये देखिए पतंग चलाना उतनी बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अगर आता है तो देखने में मजा आता है। चलिए अंदर की तरफ ला रहा है, इन्होंने क्रॉस मारा लेकिन उसने थपक लिया समझदारी से, बढ़िया यंग खिलाड़ी हैं, बढ़िया पेज लड़ा रहे हैं। आए दोस्तों नीचे वाला पेज देखिए, गोली गोली लड़ा रहे हैं लेफ्ट साइड वाले नीचे, उसने गद्दा रखा, वो देखिए ये पेच नहीं हुआ है, बहुत शानदार पेच काट दिया है, सबसे अच्छा पेच था ये। आइए दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, गोल्डी भाई का तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पेच है ये, चलिए वो अंदर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं अपोनेंट। देखिए राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, राइट वाली पतंग ऊपर से है, ये बाहर निकाल रहे गोल्डी भाई लेफ्ट वाली पतंग, वो और अंदर आ रहे हैं। चलिए उसने गद्दा दिखाया,
जिन्होंने अंदर ताकत से खींचा वो देखिए झोल कटा उसका, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया। एक और चौथा पेज काट दिया है। आए दोस्तों पांचवा पेज देख रहे हैं गोल्डी भाई का, लेफ्ट साइड नीचे से गोल्डी भाई, लेफ्ट साइड नीचे से गोल्डी, ऊपर से अपोनेंट, उसने रखना शुरू किया इन्होंने पतंग को। ओए होए टूटी या कुछ हुआ, पेच हो गया ये तब बेकार। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। ऊपर से फैसल भाई लड़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से किंग की, नीचे नीचे बढ़ते हुए अपोनेंट राइट साइड, ये करीब किया फैसल भाई ने और यही गद्दा चल रहे वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। इन्होंने झटकना स्टार्ट किया, बढ़िया पेज काटा है फैसल भाई ने फिर से। जैसे उन्होंने अंदर रुख दिखाया तो इन्होंने झटकना स्टार्ट कर दिया ऊपर के मुड्डे पे। ठीक है अच्छा अच्छा आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, लेफ्ट साइड वाली चक्कर खा रही है ऊपर है ये, ऊपर से गोल्डी, देखिए कैसे पतंग को लड़ाते हैं ये। उनकी पतंग थोड़ी सी बड़ है अपोनेंट की, ये देखिए ले जाकर रख रहे हैं फिर हटाते हैं, वो अंदर आ रहे हैं, इन्होंने फिर रखा फिर हटाया। गोल्डी भाई की पतंग देखिए, गोल्डी की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर, गोल्डी की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर, देखिए उसने हटाया, इन्होंने फिर अंदर लेके गए, फिर वो अंदर आए, ये बाहर निकाल रहे हैं, ये देखिए फिर से वो झोल पर उतरना चाह रहे गोल्डी, और देखना जगह मिली है यहाँ पर, थोड़ा सा बाहर निकाला उसने, इन्होंने रखा और अंदर लाए, इन्होंने और बाहर निकाला, उसने थोड़ा सा बाहर निकाला, ये ले जाके उतर गए झोल पे और ये लाद दिया और ये कटी उधर पतंग, समझे? ऐसे लड़ा के दिखाओ भैया छत वालों सभी। पूरा गुलदस्ता सज गया, पैसा क्वार्टर सब कुछ भी थोड़ा दिखाएंगे। पापा कहेंगे लो रेड लेबल दे रहे हम तुमको। आप बता आप बता। आइए दोस्तों एक और पेज देखते हैं गोली भाई का नीचे से। इससे पिछला पेज क्या कमाल का पेज काटा था, पट पे झटक लिया, हालांकि आखिरी में कटे। आमिर का मांझा वाकई बहुत अच्छा लड़ रहा है। गोल्डी की पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे से, वो चेहरे की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, अंदर की तरफ लेके आ रहा है। राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है ये और अंदर लेके आया अपोनेंट, ये थोड़ा सा नीचे से अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर मतलब अपोनेंट की तरफ जाना, अंदर मतलब अपोनेंट की तरफ जाना, देखिए अंदर जा रहे हैं। गोल्डी भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड अंदर और जा रहे हैं, उसने थोड़ा सा बाहर निकाला, उसने गद्दा मारा, गोल्डी भाई ने सीधा सीधा खड़ा खींच दिया और आखिरी में भर्रा छोड़ दिया। बढ़िया पेज। आए दोस्तों ये वाला पेज नितिन भाई का देख रहे हैं, पिछला पेज दिखा नहीं पाया, गोल्डी कट गए, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है नितिन भाई की, अपोनेंट अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अंदर मतलब अगेंस्ट में बढ़ना अपोनेंट की तरफ, चलिए ऊपर से ये मारा गद्दा, उन्होंने बाहर खींचा, उन्होंने थपकी मारी, ये गद्दा मारते चले गए। बढ़िया पेच काटा है नितिन भाई ने, चपटा बाहर ही खींच देते। अब्बास भाई पतंग देखिए राइट साइड नीचे से अपोनेंट है, लेफ्ट साइड ऊपर से अब्बास भाई बाहर की तरफ निकालते हुए। झटके मारते हुए पतंग ऊंचा उठा रहे थे अब्बास भाई, लेकिन डोर लगी नहीं। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे,
जो चक्कर खा रही है, बाहर की तरफ दिखा रहे हैं अब्बास भाई, उसने पतंग को चलाया, इन्होंने पतंग रोकी, बढ़िया पेच काट दिया अब्बास भाई ने। मतलब बहुत तेज भागता हुआ गया था, करीब करा रहा है, वहां ताकत सर रे, आज पतंग खराब हो गए। इससे पहले आपने जो पेज देखा, बढ़िया गोल्डी भाई ने पेज काटा है, अच्छे पेज लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आप सभी का धन्यवाद। हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर्स के क्लब में आ चुके हैं, बहुत जल्द अपना सिल्वर प्ले बटन जो है आ जाएगा लेफ्ट साइड नीचे से, ये देखिए थपक दिया, कम से गद्दा मार गए और इन्होंने थपक लिया बस गोल्डी ने। आइए दोस्तों एक और पेज देखते हैं गोल्डी भाई का, आज वाकई आखिरी पेज, आमिर का मांझा वाकई लाजवाब है। देखिए जो लड़ता है मैं वही बताता हूँ, इधर उधर के 50 तरह की चीज़ें नहीं बताता हूँ। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, तो इस समय जयपुर बीकानेर में बहुत अच्छे गेम, चलिए ये देखिए क्या पेज लाजवाब पेज काट दिया। मांझा तो अच्छा है ये, लेकिन खिलाड़ी उतना ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे। पहला ये पेज आदिल भाई की टीम आई हुई है, जिसमें अपने उबैद लड़ा रहे हैं, शहजाद पेज नीचे से ले रहे हैं, ऊपर से हमारे आरिफ सर हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, पहला ये पेज होता हुआ, पहला पेज आ रही है, थोड़ी सी हवा जो है देखिए कोनी होती चली जा रही है, यानी जिस तरफ आदिल खड़े हैं उस तरफ हवा होती चली जा रही है। और नीचे का पेज लेना है शहजाद, पेज की दूरी मेरे पास से 250-300 मीटर के करीब, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए आरिफ सर की पतंग बढ़ है, थोड़ा सा बाहर निकाल रहे हैं, उन्होंने क्रॉस करके थोड़ा सा बाहर निकाला, चलिए उनकी पतंग हल्की सी बाहर की है, तो जब वो खींच रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं। देखिए भर्रा वर्रा फेंक रहे हैं, उन्होंने खींचना स्टार्ट किया, इन्होंने अंदर की तरफ थपकी लगाई, तेज़ तेज़ थपक रहे हैं, उठते मुद्दे पे वो देखिए थपक रहे, अब खींचेंगे शहजाद, ये थपकी लगाते चले जा रहे, बहुत ही अच्छा पेज काट दिया, पूरा फटाव हुआ पतंग में और बाहर की तरफ थपकी लगाते चले गए आरिफ सर, बहुत ही शानदार पेज, पहला ही पेज काटा है आरिफ सर। दूसरा पेज ले रहे हैं नीचे की तरफ से, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है, राइट साइड ऊपर वाली पतंग है, लड़ा रहे हमारे आदिल, रीड हॉल काई टूर्नामेंट करवाया था उसमें आदिल मुख्य आयोजनकर्ता में थे। चलिए बाहर का गद्दा शो करके करीब कर रहे हैं, आरिफ सर की पतंग देखिए अंदर की तरफ लेके जा रहे, वो भी अंदर की तरफ लेके आ रहे ऊपर के हाथ से, अंदर मतलब क्या होता है ओपोनेंट की तरफ लेके जाना, बाहर मतलब अपनी तरफ लेके आना। चलिए अंदर की तरफ आदिल लेके आते हुए राइट साइड ऊपर से गद्दा मारने का सही जगह है, गद्दा मारा, इन्होंने डोरों पर रख लिया और वो उछली उधर आदिल की पतंग, बढ़िया पेच काटते हुए डोरों पर रख लिया था जल्दी से और बढ़ थी हमारे आरिफ सर की पतंग, अच्छा पेच काटा दूसरा। और ये देखिए तार वाले ने कैसे लिपटाया, सीधे खींचते हुए लेके गया और तुरंत झोल को खींच लिया। आइए दोस्तों दूसरा पेच देख रहे हैं, आशु भाई पेच लेने आए हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से हैं, नीचे से आदिल बढ़ते हुए, चलिए ये रखा, उन्होंने भर्रा छोड़ा और रखा, उन्होंने बाहर तेज खींचा, ये थपकते उठा रहे थे और वो कटा उधर, लगता है आरिफ सर से आशु भाई ने कोचिंग ले ली है ये पेज कैसे लड़ाना है। आइए दोस्तों एक और जल्दी से पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से आशु भाई ऊपर से रखते हुए अपोनेंट, ताकत से बाहर फिर से खींचा है, खींचते चले जा रहे हैं, वो कटे, थोड़ी सी पतंग इनकी बाहर भी है तो जब घूम के बाहर गिर रही है तो ताकत मिल रही है पतंग को, अच्छा पेज काटा है, बीचों बीच अगर रख के लड़ाएंगे फिर गद्दा मारेंगे तभी काम होगा,
चेहरे पे ये आ रहे हैं बार बार चेहरे की तरफ, इसीलिए कट जा रहे हैं सामने वाले खिलाड़ी। थोड़ी पतंग बढ़ भी थी, ये दोनों पतंगे जो दोनों पेज हुए हैं। आए दोस्तों ये पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड नीचे से फिर से आशु भाई ने खींचना स्टार्ट किया पहले से, वो देखिए जैसे ही कुछ इधर उधर थपकी मारा तुरंत कट गया। लगातार चौथा पेज काटते हुए आशु भाई, चार पेज काट के बने हुए हैं। चलिए एक और पेज देखते हैं, ये वाली पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली, और ये आती हुई राइट साइड ऊपर से। चलिए लेफ्ट साइड नीचे से आशु एक बार फिर से अंदर की तरफ खींचते हुए यही मुड्डा खींच ले रहे, वो देखिए तुरंत झोल कट गया उनका। वो मुड्ढा रखने से पहले ये पहल करके खींच दे रहे हैं और उनका झोल काटा जा रहा है। कोनी हवा होने से यही कहीं ना कहीं खतरा होता है, जिस तरफ कोनी लगी होती है, और आज इस तरफ कोनी लगी हुई है और इधर ही पेच हो रहे हैं। अगर यही पेच सामने यहाँ होते तब बराबर के पेच होते, वो समझ नहीं पा रहे हैं झोल को। आइए दोस्तों छठा पेच देख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड नीचे से आशु भाई बने हुए, थोड़ी सी पतंग इनकी बाहर की है। चलिए उन्होंने रखा, थोड़ा सा बाहर की तरफ कर रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग ऊपर से, ध्यान से समझना, आदिल की टीम है, अयान, शहजाद, शाबाज, उबैद और अन्य खिलाड़ी उधर से रहेंगे। किंग को तो आप जानते ही हैं। लेफ्ट साइड नीचे से देखिए, इससे पहला एक मैच मैंने अपलोड किया था जिसमें डीडी भाई ने बहुत ही शानदार 9 पेज काटे थे, और वो मैं कहूँगा कि देखिए, क्योंकि करीब के पेज कैसे लड़ाए जाते हैं वहाँ आप सीख सकते हैं। हालांकि 9 के मैं इतना महत्व नहीं देता क्योंकि किंग ने इतने 9 काट रखे हैं, आप लोगों ने ज़्यादातर वीडियोस में देखा ही होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ सीखना है, इसलिए मैंने कहा वो पेज मैच देख लीजिए इससे पहले। चलिए लेफ्ट साइड नीचे से आशु भाई लगातार बढ़िया पेज लड़ाते हुए ताकत से खींच रहे, इस बार कुछ टेक्निकल लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, कर छोटा कर रहे हैं पेज को, ऊपर वाला खिलाड़ी देखिए थोड़ा सा कम करा रहा है, समझदारी से पेज लड़ा रहा है इस बार, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जगह दिया, इन्होंने खींचा ताकत से, वो पतंग अंदर की लेके थपक रहे थे, नहीं डोर आई, एक बार फिर से रखा और यही मुड्डा खींच दे, वो देखिए वो अंदर की तरफ जब तक दिखाते तब तक झोल से कट जा रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत ताकत से खींच दे रहे हैं, झोल अभी लटक ही रहा होता है। बढ़िया, ये 6 पेज काट दिए हमारे आशु भाई ने, ये रहे हमारे आशु भाई, खतरनाक बहुत तेज खींचते हैं, हालांकि पतंग भी इनकी साथ दे रही है कहीं ना कहीं, जो लाम बनते हुए बाहर गिर रही है, इससे ताकत मिलता जा रहा है पतंग को। आइए देखते हैं, पहले तो 7 पेच हो पाते हैं कि नहीं, 9 की तो बाद में बात करेंगे। ऊपर से अब आए उबैद, अक्सर उबैद रोक लेते हैं लेकिन यहाँ भी आशु भाई तैयार है हर चीज़ के लिए, ऊंचा करते चले जा रहे हैं, उन्होंने भी ऊंचा किया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे, थोड़ी सी कोनी की हवा है जिस तरफ आदिल खड़े हैं तो, और मैं खड़ा हूँ आशु भाई के बगल में यानी लेफ्ट साइड में, तो मेरी पोजीशन आप समझ सकते हैं। हवा चल रही है 12-13 किलोमीटर का पछियाव चल रहा है जो कि कोना थोड़ा सा है, थोड़ा पतंग को बाहर किया है दोनों ने, अभी पतंग बाहर हो गई है। चलिए फिर से एक बार पेज को थोड़ा सा दूर करके फेरा जा रहा है, पेज की रेंज मेरे पास से 250 मीटर या 300 मीटर के करीब है। चलिए बढ़ रख के गद्दा मार रहे हैं, और ये 7 पेज कंप्लीट किया है यहाँ पे आशु भाई ने, लगातार बाहर खींचते हुए चले जा रहे हैं और 7 पेज कंप्लीट हो गए। एक काटे का बस मुझको पैसा नहीं देंगे, सुबह नाश्ता लेने के लिए। आइए दोस्तों ये वाली पतंग देखिए, आपको जो लेफ्ट साइड दिख रही है, आशु भाई अपना लड़ाएंगे 8वां पेज। चलिए ऊपर से आदिल रखते हुए, आदिल लड़ा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ करके रखा है, देखते हैं करीब करा रहे हैं। ये देखिए 2 बार पतंग घूम गई, कहीं ना कहीं जो ये पतंग बाहर निकल रही है और ख़राब होती चली जा रही है, और 8 पेज कंप्लीट किए, पहले खींचा तो पूरी घूम गई, फिर से घुमाई, फिर खींचा बाहर, बहुत ही अच्छे पेज काटते हुए यहाँ पे आशु बहुत तेज खींच रहे हैं। आइए दोस्तों 9वां पेज होगा ये, चलिए देखते हैं, कोशिश रहेगी, बढ़िया पेज लड़ाएं अब तक। वो देखिए चेहरा लेना स्टार्ट किया उन्होंने, 9वां बचाना है किसी तरह, वो बचा सकते हैं, चेहरा ले लें, हाथ पे आके काट दे। चलिए रखते हुए इन्होंने थोड़ा सा झुकाई दी,
चेहरे की तरफ देखिए, अब पतंग थोड़ी सी भारी करके आए, खेल को थोड़ा सा बदल रहे हैं ये। देखते हैं आंशु कैसे इनसे पार पाते हैं। फंसना नहीं है, फंसेंगे तो गड़बड़ो। ओए होए, कह रहा था मैं कि फंसना नहीं। जब तक चेहरा ले लिया, और इन्होंने बाहर खींचने की गलती कर दी क्योंकि डोर बराबर पैरेलल थी, और बढ़िया पेच 8 पेच काट दिए थे, और इस बार रोक लिया है। और रोका है किसने? हमारे आदिल भाई ने रोका है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों इस पेच को समझते। नितिन भाई पेच लेने आए हैं, पहला पेच अपना ऊपर से आयान रखते हुए। इससे पहले बहुत ही अच्छा पेच काट दिया था आयान ने, अंदर अंदर बढ़ते हुए। देखिए नितिन भाई की पतंग, देखिए लेफ्ट साइड नीचे से ऊंचा खींचा उसने, रखा डोर पर रखा। इन्होंने डोर फेंक दिए पूरी तरह, डोर छोड़ दिए, झटके लगा रहे हैं, वो चुस्की देते चला जा रहा है। राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, अब कोई ये झटके लगाएं ताकत से, वो कटा बढ़िया पेच। टेक्निकल बिल्कुल आपने सीखा, बिल्कुल भर्रा छोड़ दिया था, गैप था अभी मांझे में, और आखिरी में थपकी लगाई पट पे बाहर का मुड्ढा लेके। आइए दोस्तों लेफ्ट साइड नीचे से नितिन भाई, इससे पहले भी एक पेच काट दिया, थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं दिखा नहीं पाया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये नीचे वाली जो है ये हमारे नितिन भाई की है, थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, अब अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरी पतंग अभी आपको दिख नहीं रही है क्योंकि वो ऊँची होके अब आई, देखिए स्क्रीन में ये आई। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से नितिन भाई, पेच की रेंज बढ़ा रखा है नितिन भाई ने काफ़ी ज़्यादा, वो टहला रहा है ऊपर ऊपर, थोड़ी भारी पतंग भी लग रही है। ये गद्दा रखा नितिन भाई ने, पट किया उसने, गद्दा चलाया, इन्होंने ताकत से अंदर खींच रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गए, कहीं ना कहीं 1 सेकेंड लेट हुए ये खींचने में और कट गए। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से फैसल भाई अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, उन्होंने ताकत से बाहर खींचा है और ये काट दिया फैसल भाई को। ताकत का गेम था, कंफ्यूजन में खींच रहे थे ऐसा लगा मुझे फैसल भाई, कि गद्दा मारे कि क्या करें। आइए एक बार फिर से आशु भाई आ रहे हैं पेच पे, इससे पहले बढ़िया 8 पेच काट दिए थे। आशु भाई की पतंग देखिए ऊपर से आकिब, माफ कीजिए नीचे से आकिब लड़ाएंगे, और ऊपर से आशु भाई हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से करीब करा रहे हैं, बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, वो अंदर की तरफ चल के आ रहे हैं। इन्होंने और रखा, उन्होंने पट किया, ये गद्दा मार रहे हैं, वो काटा बढ़िया ये पेच, वो चपटा बाहर खींच रहे थे, इन्होंने बिल्कुल वहीं पे गद्दा सीधा जड़ दिया। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। लेफ्ट साइड ऊपर से आरिफ सर नीचे से आके अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, उसने पतंग चलाया बाहर की तरफ, थपक रहा है, थपकते चला जा रहा है। अब इन्होंने रखा, चलिए बस डोर पे रखना है, पेच है वो कटा बढ़िया ये पेच काटा है, सिर्फ डोरों पे रख लिया और अच्छा पेच काट दिया, उन्होंने जानदारी की खींचने लगे। आइए दोस्तों आरिफ सर ने बढ़िया पेच काटा इससे पहला वाला, और पेच कर दिया है रेंज में, मेरे पास से 450 मीटर के रेंज लगा दी, और फोनी की हवा भी लगी हुई है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से आरिफ सर की, रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी, वो अंदर की तरफ से बढ़ के आ रहे हैं। चलिए शहजाद है, पतंग को कम करेंगे तेज हाथों से, ये पतंग को ऊँचा कर रहे हैं, हल्का सा बाहर का गद्दा दिखाया, यही गद्दा चल रहे अंदर के झटके लगा रहे हैं आरिफ सर, और ये झटकते हुए उठाते चला जा रहा है, वो कटा उधर शहजाद, बिल्कुल झोल पे रख लिया था, बहुत कम से गद्दा मारने की कोशिश किया। आइए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रेंज में पेच चले, लेफ्ट साइड वाले नीचे से आरिफ सर, उसने बाहर का गद्दा दिखाया, ये अंदर की तरफ ले जाके रोक रहे हैं, वो अंदर की तरफ लेके आ रहा है, और वो कटा उधर देखिए बढ़िया पेच काट दिया आरिफ सर ने, जानदारी कर रहा था, गद्दा वद्दा मार रहा था वहीं पर, और ये कट गए, आरिफ सर ने एक और शानदार पेच काट दिया। आइए दोस्तों पिछला पेच आरिफ सर कट गए हैं लेफ्ट साइड नीचे से, फैसल भाई इस बार अंदर जाते हुए ऊपर से उबैद रखते हुए गद्दा करीब किया, बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और डोर ना लग जाए, ये डोर लग जाए, जैसे ही मैंने कहा डोर ना लग जाए वैसे ही डोर लगी। अरे दोस्तों नितिन भाई का ये पेज देख रहे हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से नितिन भाई है, नीचे से बड़े हुए अपोनेंट, देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, दूसरी वाली लेफ्ट रखते हुए गद्दा उसने थोड़ा पट किया, चलिए करीब किया, नितिन भाई अंदर लेके जा रहे हैं, पतंग को चलाया, गद्दा रखा,
उसने ऊंचा खींचा, इन्होंने गद्दा मारा, वो गद्दा पड़ा करारा। अभी उबैद ने एक पेज काटा था, उसके बाद इनकी पतंग देखिए फट गई है। तो पतंग गोल होना अलग बात है, ये पतंग फट गई, ये अलाउ नहीं है। आपकी पतंग गोला हो सकती है, ऐसा तय है, लेकिन पतंग फटी नहीं होनी चाहिए, चाहे पेज पे ही क्यों ना हो। पेज पे अगर फट गई हो, अरे बोल लेते बेटा तुम्हारी फट गई। ये देखिए साफ साफ मुड्डा फट गया है। और क्या पतंग फट गई। आई दोस्तों नितिन भाई का ये पेज देखते हैं। चलिए राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से। थोड़ी पतंग अंदर की गिर रही है ऐसा लग रहा है। चलिए राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, ऊंचा किया नितिन भाई ने, उन्होंने गद्दा चला थपक रहे थे वो काटा, बढ़िया पेज काटा है। हालांकि पतंग देखिए थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है नितिन भाई की भी, मुझे मेरे ख्याल से ये करीब कर रहे हैं तो देखें शायद मुड्ढे पे कुछ दिक्कत है, बाकी देखते हैं। अपोनेंट जब तक उसको अपील नहीं करेंगे तब तक ये लड़ा सकते हैं। चलिए अगला पेज फेरा जा रहा है। चलिए लगे हाँ दूसरा पेज किसी के साथ देख लीजिए, इनका है ये तीसरा, लेफ्ट साइड वाले नीचे से नितिन भाई। पतंग तब हट सकती है जब वो अपील करें। चलिए करीब करा रहे, देखिए चेहरे से ही करीब कराने की कोशिश, टांगना चाह रहे हैं उनको। नीचे वाली नितिन भाई की है, नीचे से लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर। चलिए ठीक है, पतंग काफ़ी ज़्यादा अंदर जा रही है, पतंग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसी वजह से अभी उबैद की पतंग को हटवा दी गई। हालांकि हम लोग ने, इधर की टीम ने अपील किया था कि वो भाई पतंग फट गया, वाकई फटी थी। चलिए इस बार देखते हैं, करीब करा रहे, डबल की तरह उनकी पतंग ऊंची उठ रही है, इन्होंने फंसाने की कोशिश की, पूरी पतंग ही घूम गई। आइए देखते हैं क्या हो रहा है पेज। इनके पतंग को तार वालों ने फाड़ दी। चलिए ठीक है, आदि लड़ा रहे हैं पेज। इत्मीनान से पेच हो रहे, जल्दी जल्दी पेच हो तो मजा है। चलिए आदिल की पतंग देखिए राइट साइड ऊपर है। आए दोस्तों शहजाद लड़ा रहे हैं, मुझे लगा आदिल लड़ा रहे थे। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से नितिन भाई। राइट साइड अंदर की तरफ चढ़ते चले आ रहे। देखिए बाहर का गद्दा शो कर रहे हैं, करीब करा रहे हैं, उनकी पतंग भी थोड़ी सी अंदर की, ये रखा गद्दा, पूरा गद्दा रखते चले आ रहे हैं। ये झटके लगा रहे, वो भी झटके लगा, वो कटा उधर शहजाद। अरे दोस्तों क्योंकि नितिन भाई की भी पतंग जो है ऊपर से मुड्ढा फट गया था, तो उनकी भी पतंग हटा दी गई। उन्होंने नोटिस किया और बताया ये पतंग भी फट गई है, तो हमारी पतंग भी हटा दी गई है। बढ़िया तीन पेज काटे थे, पतंग ने बहुत सहारा दिया उस तीन पेज में। ऊपर से अब रखते हुए आदिल की टीम से, आदिल के मेंबर, नीचे से हमारे फैसल भाई हैं। चलिए ठीक है, हल्के हल्के हाथों से देखिए पतंग वो कम कर रहे हैं। यंग खिलाड़ी हैं तो कम करके ज़्यादा पसंद करते हैं लड़ाना, तेज तर्रार, और जितने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो दूर लड़ाना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं, वो लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से हमारे फैसल भाई ऊंचा करते हुए, थोड़ा सा बढ़ करके रखा है। हवा चल रही है इस समय 10-11 की, पछियाओ 8-10 की चल रही होगी, 10-11 की तो नहीं चल रही है, हवा थोड़ी कम हो गई है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, थोड़ी पेज की रेंज कम होती हुई, मेरे पास से 350-400 के अंदर। चलिए लेफ्ट साइड नीचे से ऊंचा किया, उन्होंने बाहर का गद्दा शो किया और ये गद्दा पड़ गया तगड़ा, पूरा खींचने का मौका दे दिया
थोड़ा सा और करीब करना चाहिए था। आइए दोस्तों, 8 पेज काटा था पहली पतंग से आशु भाई, लेफ्ट साइड ऊपर से हैं इस बार। आशु भाई करीब करा रहे, अंदर की तरफ उल्टा ले गए, वो बाहर की तरफ थपक रहा है और ये थपकने से पहले कट गए, कुछ करने से पहले उसने चपटा बाहर खींच लिया इस बार आशु भाई को। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। ऊपर से पोका लड़ाने आया, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, और नीचे से आदिल हल्का सा पट करके अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। अब अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसने थोड़ा बाहर निकाला, इसने ऊंचा किया, भर्रा छोड़ा, इसने गद्दा रखा, यही गद्दा चल दिया और उसने पट पे झटक के बहुत ही लाजवाब पेच काट दिया है आदिल ने। आई दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए आशु भाई की, एक बार फिर से आशु भाई आए, लेफ्ट साइड वाली ऊपर से, लेफ्ट साइड ऊपर से ये गद्दा रखा उसने बाहर खींचा, इन्होंने चपटा। और ये देखिए कहीं ना कहीं पतंग जो अंदर की है लाम बनती हुई आती है तो मजबूती मिलती है, अच्छा पेच आशु भाई ने काटा है। ये दोस्तों नीचे का पेच अब लेने गए हैं हमारे आशु भाई, इससे पहले आपने देखा गद्दा मारा लेफ्ट साइड नीचे से, लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर से उबैद हैं, हल्के हल्के हाथों से पतंग को कम कर रहे हैं उबैद, पतंग को चक्कर दिया अंदर की तरफ आ रहे हैं, चक्कर दिया आप गद्दा रख रहे हैं, करीब करा रहे हैं। आशु भाई की पतंग देखिए नीचे लेफ्ट साइड, आशु की पतंग देखिए हमारे आशु भाई की लेफ्ट साइड नीचे से वो करीब करा रहा है, देखिए चेहरे की तरफ आ रहा है, यानी पेच जो है फंसा के लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जगह लेते हुए आशु भाई, जगह लेते हुए अंदर की, वो इधर उधर घुमा के देखिए पतंग को ऊंचा कर रहे हैं, झोल पे रखने की तैयारी कर रहे हैं, झोल पे रखने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए मिली जगह और ये छू गए, कहीं ना कहीं टूट गई है ये पतंग, जैसे ही इन्होंने एक मुड्डा खींचना चाहा था कुल मिला के ये कट गए हैं और उबैद ने ये पेच काटा है। आए दोस्तों ये पेच देखते हैं, नितिन भाई बढ़ करके लड़ा रहे, लेफ्ट साइड नीचे से नितिन भाई, ऊपर से हैं उबैद, लगातार बने हुए हैं। चलिए ठीक है, पिछला पेच देखा आशु भाई की पतंग टूट गई लेकिन पेच में थे इसलिए उबैद को पेच मिल गया, गद्दा रखते हुए हल्के हाथों से इन्होंने ऊंचा खींचा, सीधा खड़ा खींच लिया है, वो काटा उनका झोल, ताकत से खींच लिया बिल्कुल खड़ा। आए दोस्तों एक और नितिन भाई का ये पेज देख रहे हैं, लेफ्ट साइड नीचे से नितिन भाई, ऊपर से शाबाश अल लजीज बिरयानी टुंडे के सामने, इनका प्रमोशन करता हूँ, और ये बिरयानी फ्री में हमें खिलाते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से नितिन भाई अंदर आते हुए, चलिए बढ़िया जगह बना लिए गद्दा मारने के लिए, इन्होंने ऊंचा खींचा, रोक के पतंग ताकत से अंदर खींच के बहुत ही लाजवाब पेच काट दिया नितिन भाई ने। ये जैसे ही गद्दा मारा उन्होंने पूरा, इन्होंने रोका और अंदर खड़ा खींच दिया। लेफ्ट साइड नीचे से नितिन भाई वो रखते हुए बाहर का गद्दा शो किया, इन्होंने करीब किया, बहुत तेज पट मारा और तुरंत उसकी पतंग कटी। आए दोस्तों ये पेज देख लेते हैं, लेफ्ट साइड नीचे से नितिन भाई एक बार फिर से बड़े पिछला क्या पट मार दिया, देखिए उनकी पतंग फिर से थोड़ी ज्यादा खराब है, नहीं नहीं पेच हो जान दीजिए, अंदर की तरफ जगह बना रहे पेज, पतंग तो उनकी खराब है, राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, पतंग खराब थी, ताकत मिली उस पतंग को और ये बराबर हो गया पेज, पता है इसी डोर से काटे ऐसे नौ काटे, एक काट के उतारा, चार काटे, फिर चार काटे। हाँ तो कल बैगन खाया तुमने, मोबाइल तो लिया ही हो गया और क्या, थका दिया कि हम बैठ ही गए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से हमारे बउआ लड़ा रहे हैं, ऊपर से है आयान, आयान लड़ा रहा, चलिए गद्दा रखते हुए, गद्दा पूरा रखा, इन्होंने अंदर की थपकी लगाई, वो उधर उछली आयान की पतंग। आए दोस्तों बउआ का एक और पेज देखते हैं, पट्टेदार पतंग है, थोड़ी विजिबिलिटी कम आ रही है, ये पतंग नीचे से, ऊपर वाली पतंग कहाँ है, ये रही ऊपर, सचिन चलिए अंदर बढ़ते हुए बउआ, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी ये भी,
इससे पहले बहुत ही आराम से अंदर के झटके लगा दिए, वो गद्दा मारते चले गए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से बउआ किंग से। चलिए गद्दा रखा, इन्होंने बाहर का मुड्डा दिखाया, यही मुड्डा बाहर ही चपटा खींच दिया। बढ़िया ताकत से खींचते हैं बउआ। अरे दोस्तों ये पेज देखते हैं नितिन भाई का। आशु माफ कीजिए, बउआ लड़ा रहे, आशु बउआ नितिन सबका नाम ले लिया। चलिए बउआ की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड नीचे, लेफ्ट साइड नीचे, और राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर है, एक बीच में वो आगे है तार वाली है। संडे की पतंग लेफ्ट साइड पतंग नीचे देखिए, चक्कर दे रहे अंदर की तरफ लेके जा रहे बउआ। एक बीच में पतंग लिए हुए सामने से, उसको मत देखिएगा, गद्दा चला बउआ ने, ताकत से अंदर खींचते चले गए और उसने पतंग आखिरी में रोक के बहुत ही समझदारी से ये पेच काटा है। दोस्तों ऊपर से आशु भाई एक बार फिर से पेच लड़ाते हुए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, लेफ्ट साइड ऊपर से, कौन किधर चला गया समझ नहीं आया। झाड़ू मार दी उन्होंने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं आशु भाई का एक और पेज, पिछला पेज आपने देखा। पापा आ गया। लेफ्ट साइड नीचे से आशु बाहर का खींच रहे, अंदर पतंग जा रही है, वो गद्दा मार रहे थे। ये देखिए कितना गलत पेज लड़ा दिया सामने वाले ने, अंदर पतंग जा रही थी बाहर गद्दा खींचने की कोशिश की, तेज तेज थपक लेते। आइए दोस्तों आशु भाई का एक और पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड नीचे से रहेंगे, अपोनेंट की पतंग ऊपर। चलिए अंदर आते हुए पहली पतंग से 8 पेज काटा है, बहुत अच्छी। उसके बाद कट काट लगातार चली रही है। उधर से 8 हो गए थे? नहीं, इधर से आशु भाई ने काटे थे। चलिए करीब करा रहे हैं, ऊपर वाला खिलाड़ी देखिए अंदर की तरफ लेके आ रहा है। इन्होंने ऊंचा किया, उनकी पतंग थोड़ी सी अंदर की है और इनकी पतंग भी थोड़ी अंदर की है। पहल करके खींचा, वो अंदर की तरफ लेके आ रहा है, थपक रहा है डोर पे रखी, ये पट मार रहे हैं और वो कटा उधर, पता नहीं क्या हुआ, कुल मिला के इन्होंने काट लिया। आए दोस्तों पतंग क्योंकि इनकी है अंदर की, टिक बाहर रही है। चलिए लेफ्ट साइड नीचे से एक बार फिर से आशु भाई ऊंचा करते हुए, झोल ना लग जाए, बच गया, फिर खींच दिया। ये देखिए दो हाथ चलाए और चिपक गए, इस बार आशु भाई कट गए। आइए दोस्तों एक और पेज देखते हैं, नितिन भाई अब ऊपर से आए, पिछला पेज आपने देखा एक हाथ चलाया कट गए आशु भाई, ये गद्दा रखा नितिन भाई ने, उन्होंने खींचा, ये अंदर की तरफ खींच रहे थे लेकिन आखिरी में देखिए तेज थपकी लगा दी, रुख दिखाने पे आपको थपकी लगाना है। पांचवी पतंग आ जा रहा है। एक हुआ उससे अच्छा पतंग हट गई। तो पट्टी की दिखा रही है। लेफ्ट साइड ऊपर से सचिन लड़ा रहे हैं। कल है लेफ्ट साइड ऊपर से सचिन। पतंग को देखिए कैसे चला रहे हैं अपोनेंट, इसने गद्दा दिखाया, झटके लगा रहे, बाहर का मुड्डा हुआ, झटके लगाना होगा, बहुत अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे सचिन ने। आइए दोस्तों एक और सचिन का पेज देखते हैं, पिछला पेज आपने देखा बाहर का गद्दा पूरा बाहर निकाला, उसके बाद थपकी लगा दी। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से सचिन पेच फेर रहे हैं, ये देखिए नीचे जा रहे हैं, नीचे चलते चले जा रहे हैं, उनकी पतंग थोड़ी सी अंदर की है। ये देखिए अपोनेंट की पतंग देखिए, आपको राइट साइड दिख रही है ऊपर वाली, थोड़ी पतंग अंदर की है, अंदर ऊंचा करते चले जा रहे हैं, तेज तेज थपकियों पे रोक रहे हैं और वक कटा उधर, बढ़िया पेच काट रहे हैं सचिन। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से फैसल भाई ऊपर से आदिल के टीम के मेंबर, खुद आदिल लड़ा रहे हैं। चलिए फैसल भाई की पतंग काफ़ी ज़्यादा बड़ है, ऊंचा करते हुए चले जा रहे हैं फैसल भाई, ऊंचा करते चले जा रहे हैं,
वो पतंग को हटाते चला जा रहा है और ये कट गए फैसल भाई। थोड़ी खिंचाई में कमी रह गई। आए दोस्तों लेफ्ट साइड ऊपर से आशु भाई, लेफ्ट साइड ऊपर से बाहर का गद्दा शो कर रहे। उन्होंने ऊंचा किया, इन्होंने गद्दा चला, यही मुड्डा चल देंगे। उन्होंने चपटा बाहर खींचा, बढ़िया पेज काटा है अपोनेंट ने। आए दोस्तों एक बार फिर से पेज देखते हैं। ऊपर से नितिन भाई लेफ्ट साइड ऊपर से उन्होंने पतंग को चलाया, इन्होंने पतंग रखी डोर पे, बाहर का गद्दा शो कर रहे। उन्होंने चपटा खींचा, इन्होंने गद्दा मारा है ताकत से, बहुत तगड़ा कर रहा गद्दा नितिन भाई का। नितिन भाई का अब ये नीचे से पेज देख रहे हैं। देखिए नीचे वाली पतंग, देखिए लेफ्ट साइड नीचे से। कभी भी कैमरा ऑफ हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैटरी बिल्कुल ख़त्म ही है, हो सकता है ये पेज भी पूरा ना कर पाऊँ। चलिए ठीक है, अंदर बढ़ते हुए नितिन भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ उनकी पतंग हो गई है, अब क्या करेंगे नितिन भाई। भर्रा छोड़ रहे हैं, भर्रा छोड़ा और वो कटी उधर, बढ़िया पेज काटा है नितिन भाई ने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आइए दोस्तों एक और पेज कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले। पिछला पेज बहुत ही अच्छा पेज काटा, खड़ा खींचा और आखिरी में भर्रा फेंक के डोरों पर रख लिया। सामने वाले ने भी गद्दा नहीं मारा और आखिरी में डोरों पर रह गया। लेफ्ट साइड अंदर की तरफ बढ़ते हुए बाहर की तरफ चपटा खींचा, उनका गद्दा बढ़िया आ रहा है और खींचाई में यहाँ पर नितिन भाई आगे हो गए।